अब मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं विनेश का ना आने का रीज़न है, तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है, तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं, बात से यही है पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियाँ टूट जाएंगी। एशियन गेम्स जब खेलेंगे, जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हमारे हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते। वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। विनेश को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं विनेश का ना आने का रीज़न है, कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है, तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है, तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन है। वीर जी के बयान हुए हैं उसमें भी कहा है कि उन्होंने बयान में ये कहा है कि गलत जगह पर टच करते थे, इस तरह के हाँ वो तो विटनेस होंगे उस कंपटीशन में। देखो मैं तो नहीं थी लेकिन जरूर उन्होंने बताया होगा तो जरूर होगा। साक्षी जी एक सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों बोले हैं जगदीप सिंह जी, जब इतने समय से आपका आंदोलन। अच्छा सुनो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं, पहले दिन से चिल्ला के बोलना, अगर अंदर होगा पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी, हम कब तक लड़ेंगे। घर में पहलवान को ले जाया गया और ये तस्वीरें सामने आई और कुलभूषण अंदर था, ये सब तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे, मतलब कौन सी जगह थी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो ब्रिजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडियाकर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज़ ना चलाइए। हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज़ भी ना चलाएं। एशियन गेम्स जब खेलेंगे, जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हमारे हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते हो। प्राथमिकता यही है कि अगर ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता तो जांच प्रभावित होती रहेगी, आप कह रही है। हाँ बिल्कुल, हो गया ना ये केस, हो तो गया, आपके आगे ही हुआ है। 161 के बयान हुए, 164 के बयान हुए, काफी दिन हो गए, उसके बाद टूटने का क्या मतलब है, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रेशर है, और उनकी वीडियो उठा के देख लो लड़की के फादर की, बोल रहा है हम पे प्रेशर है, डर है, घबराहट है। होता है, होता होगा। बजरंग के पास खुद कॉल्स आए हैं, बिक जाओ, टूट जाओ, ये हो जाओ, तो ये सब गलत है। देखो अगर बाहर होगा तो प्रेशर भी होगा, गलत नैरेटिव, गलत एजेंडे, पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ की हेडलाइंस चलाते हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक भारत की बेटियों की लड़ाई को जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर ऊपर से गलत न्यूज़ चला रहे हो, तो भारत की बेटियों का भी दिल टूटता है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।